हेलो फ्रेंड, आप लोग कैसे हैं? आई होप लोग अच्छे होंगे। और यहाँ पे आप देख सकते हैं मैंने कितना अच्छा आम पापड़ बनाया है। और आम का सीज़न ख़त्म हो रहा था तो मैंने सोचा क्यों ना आम पापड़ बनाया जाए, तो इसलिए मैंने लास्ट में आम पापड़ बनाया। और घर पे आम आया था तो वही देख सकते हैं, मेरे यहाँ दो आम आया था। चौसा आम है, इसको कहते हैं चौसा। तो यहाँ पे हम दो आम ले लिए हैं और एक नींबू का रस ले लिए, क्योंकि हम खट्टा मीठा बनाएंगे आम पापड़। तो चलिए बनाना स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे हमने आधा कप चीनी ले लिया। चीनी मेरी थोड़ी ज़्यादा है तो आप थोड़ा कम ही डालिएगा। तो बस अभी इसको छील लेते हैं। तो इसको बीच से कट करेंगे और इसके सारे पल्स निकाल लेंगे जो भी अंदर, सारे इसके इस तरह से काट के, और इस तरह से साइड से काट काट के। इसमें थोड़े रेशे होते हैं तो जब हम मिक्सी में अच्छे से ग्राइंड कर लेंगे, एकदम पेस्ट बना लेंगे ना, तो सारे रेशे ख़त्म हो जाते हैं। तो बस अभी इसको हमें पीस लेना है इस तरह से कट करके। तो आप देख सकते हैं इस तरह से मैं कट करके रख रही हूँ। फिर इसे एक बॉल में निकालेंगे। तो अभी हम इसे एक बॉल में निकाल लेते हैं। एक चम्मच की मदद से बहुत आसानी से निकल जाता है। देखिए निकल गया। और कितना पतला इसका जो छिलका होता है ना, बहुत ही पतला होता है। और इसे बनाना बहुत आसान है और खाने में तो पूछिए मत, इतना स्वादिष्ट लगता है। मतलब एकदम मार्केट जैसा ही बन के रेडी होता है, क्योंकि पके हुए आम के आम पापड़ एकदम मार्केट जैसे ही बनती है। तो इस तरह से पूरा हम निकाल लेंगे। और यहाँ पे हमने पूरा निकाल लिया है, आप देख सकते हैं। तो अभी एक जार में हम इसे ट्रांसफ़र करेंगे और ढक्कन लगा के इसका पेस्ट बना लेंगे। तो यहाँ पे हमने एक जार ले लिया था, पीस लिया था। अब इसको पेस्ट बना के इस कढ़ाई में हम इसे पलट देंगे। बस इस कढ़ाई में इसे पलट लेंगे। सारा ये जो मिक्सी में पल्स लगे ना, इसे भी अच्छे से इसमें एक गिलास दूध ऐड करेंगे और इसका मिल्क बना लेंगे। बन गया मेरा मैंगो शेक मिल्क, तैयार हो गया। तो इसे टेस्ट करते हैं कैसा हुआ है। और ये बहुत ही यमी हुआ था। तो बस यहाँ पे आप देख सकते हैं, जो हमारा हमने आम को पीसा था उसे कढ़ाई में डाल दिया है। और अब इसमें हम थोड़ा चीनी ऐड करेंगे। तो बस यहाँ पे हमने चीनी ऐड कर दी है। अब गैस पे हमने इसे चढ़ा दिया और इसे मेल्ट होने के लिए रख दिया है। ऐसे चलाते रहेंगे कंटिन्यूस, ताकि ये हमारी चीनी मेल्ट हो जाए और आम के साथ घुल जाए अच्छे से। तो देख सकते हैं मेरी चीनी धीरे धीरे घुलना स्टार्ट कर दी है। तो अभी ऐसे ही चलाते हुए हमें घोल लेना है। और ये बहुत ही जल्दी बन के रेडी हो जाती है। कम मुश्किल से 20 मिनट लगता है इसे बनाना। हाँ, मगर सुखाने के लिए 2 दिन तो लगता ही है। तो इसे बनाना बहुत ही आसान है। ऐसे कंटिन्यूस इसे चलाते रहना है। आप देख सकते हैं धीरे धीरे मेल्ट होना स्टार्ट हो गया है। तो बस चलाते रहिए इसे कंटिन्यूस। और हाथों को बचा के चलाएं, क्योंकि इसमें छिटकता बहुत है। तभी आप देख सकते हैं ये छिटकना स्टार्ट हो गया है और ये थोड़े थोड़े गाढ़े होने लगे हैं। बस साइड साइड से हम इसे इस तरह से कर लेंगे, चलाते रहेंगे। चलाते हुए पकाना है। और अभी तक आप लोगों ने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जाके सब्सक्राइब कर लीजिए। बेल आइकन के घंटी को दबा दीजिए ताकि सबसे पहले नोटिफिकेशन आपके पास जाए। और ये देख सकते हैं अच्छे से हमारे जो आम पापड़ है वो पक गई है। तो हमें इस तरह चलाना है, चलाते रहना है। और मैंने कंटिन्यूस इसे चलाया है। तो बस ऐसे ही चलाते रहना है। और हमारी आम पापड़ गाढ़ी हो गई है, आप देख सकते हैं।
तो बस इस स्टेज में हमें गैस को कर देना है ऑफ। और ये सिर्फ थोड़ा ठंडा हम कर लेंगे, तब तक हम थाली में घी लगा लेते हैं। तो यहाँ पे हमने एक थाली में घी लगा के वो कर लिया था, मैं पूरा अच्छे से मिला दिया था, थाली को पोत लिया था। अब इसमें जो हमारा ये आम है ना, इसे आम पापड़ को हम इसमें ट्रांसफ़र कर देंगे और अच्छे से इसे फैला देंगे। और घी लगाने की वजह से अच्छे से ये छूट जाता है, ज़्यादा टाइम नहीं लगता है। तो बस अभी हम इसे अच्छे से सुखा लेंगे। तो अभी छत पे चलते हैं, इसे सुखा लेते हैं, मिलते हैं 2 दिन बाद। तो आप देख सकते हैं कितना अच्छे से हमारा ये सेट हो गया है। तो अभी हम 2 दिन बाद आपसे मिलते हैं। तो फिर यहाँ पे 2 दिन हो चुके हैं और आप देख सकते हैं हमारे घर के बच्चों ने आधा आम पापड़ को खा गए हैं। बच्चे बहुत बदमाश है, आधा तो खा ही लिए हैं। तो बस, और जो आधा बचा वो कितना अच्छे से सूख गया है। तो मैं इसे कट करके आपको दिखा रही हूँ। और इसे थोड़ा सा चाकू से नहीं है छूट रहा है, क्योंकि बच्चों ने काफ़ी अच्छे से खाया है। आपके घर भी ये सब होता होगा कि बच्चे खा लेते होंगे सूखने से पहले। तो बस अभी इसको हम अच्छे से रोल कर लेंगे। अब मैं आपको दिखाती हूँ ये अच्छे से रोल हो जाता है। तो ये देखिए, मैंने सारे को छुड़ा लिया और अच्छे से ये इसे रोल कर लिया है। और कितना अच्छा देखने में लग रहा है।